नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र कथूरिया। हमारे खास कार्यक्रम स्पष्ट में आज ये कुछ खास मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इस कार्यक्रम में मनोहर सरकार के 4 साल के कार्यकाल और उपलब्धियों की चर्चा करेंगे, और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश के फायर ब्रांड मिनिस्टर अनिल विज जी। अनिल विज जी स्वास्थ्य मंत्रालय के अलावा खेल और युवा मामलों के भी मंत्री हैं। विश्व इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हरियाणा में अकेले ऐसे मंत्री हैं अनिल विज जो प्रादेशिक मुद्दों के अलावा राष्ट्रीय मुद्दों पर भी अपनी बेबाक राय रखते हैं, कांग्रेस पार्टी को हमेशा घेरे रखते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को रास्ता नहीं देते बचने का, और इनेलो को भी अपना निशाना बनाते हैं। लेकिन इस चर्चा में हम सरकार के, बीजेपी सरकार के 4 साल के कामकाज पर रोशनी डालेंगे, और ख़ास तौर पर स्वास्थ्य मंत्रालय जिसके अनिल विज जी मंत्री हैं। वे सब इन 4 सालों में आपकी क्या उपलब्धियां हैं, आपकी ज़ुबान से पब्लिक सुनना चाहती है। देखिए, ये जो 4 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहे हैं, ये हरियाणा के इतिहास में गोल्डन पीरियड है, क्योंकि इस 4 साल के समय में गुजरी सरकारों की तरह चोरी चकारी नहीं हुई है। CLU बेचने की दुकानें नहीं लगी हैं। किसान पहले रात को डर के सोता था कि पता नहीं सवेरे उठे तो उसकी लैंड अक्वायर हो जाए, ऐसा नहीं हुआ है। हमारे राज में नौकरियां नहीं बेची गई हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से प्रदेश के जो काबिल युवा हैं उनको नौकरियां दी जा रही हैं, और प्रदेश में पहली बार काबिलियत के आधार पर नौकरियां दी जा रही हैं। पहली बार हमारे यहां पर तबादलों की मंडियां नहीं लगती। अधिकतर विभागों में हमने ऑनलाइन तबादले कर दिए, तो कुल मिला के जो हरियाणा की जनता है वो निश्चिंत होकर सोती है कि उनके जो इंटरेस्ट हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हाथों में महफूज है, सुरक्षित है, उनको कोई डाका नहीं मार सकता। विशद 4 साल पहले जब स्वास्थ्य मंत्री आप बने थे, 4 साल पहले मंत्री बनते ही आप अस्पताल की टंकियों पर चढ़े थे, आपने देखा महीनों से टंकियां साफ नहीं हुई, आपने अलमारियां खोली तो एक्सपायरी डेट की दवाएं पड़ी थी, फाइलों पे मिट्टी धूल थी। तो उस टाइम आपके आपके एक्शन को देख के लोग, कई लोग आपको कहते थे गब्बर सिंह आ गया, लेकिन अब समय के साथ साथ गब्बर सिंह की जो धार है, जो हंटर है, वो कमज़ोर पड़ गया। कुछ लोग ऐसा मानते, शायद आप ये भी सोच रहे हो कि जो मैंने किया इससे ज़्यादा मैं और कुछ कर नहीं सकता, जैसे चल रहा है चलने दिए, कैसी बात तो नहीं है। देखिए, मैं गया था व्यवस्था देखने के लिए, और मैंने जाकर व्यवस्था देखी और उसको ठीक किया, और बकायदा सारों पर निगाह रखी, अधिकारियों की ड्यूटियां लगाई, और अब बहुत बढ़िया चल रहा है। चलते घोड़े को चाबुक नहीं मारा करते कभी भी, यदा कदा मैं अब भी जाता हूं, मैंने अभी पानीपत का सिलव स्थल चेक किया है, मैंने अपने शहर के अस्पताल पर रेड मारी है, उसको भी जाके मैंने चेक। लेकिन जिस पानीपत अस्पताल की बात करें, मैं खुद पानीपत में रहता हूँ, 3 महीने 4 महीने से वहाँ अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, 42 करोड़ की बिल्डिंग बन के तैयार करी है, उसका उद्घाटन 4 महीने के लिए डेट नहीं मिली, डॉक्टरों की कमी है, मतलब तमाम तरह की परेशानियाँ अब भी हैं। और शायद जब ये खामियाँ मीडिया के थ्रू आपकी नज़र में आई तो आपने कहा जी मैं अम्बाला से ज़्यादा अच्छा हॉस्पिटल पानीपत को बनाऊंगा, शायद लोगों का मन रखने के लिए बात कही हो आपने। नहीं नहीं, हम सब अस्पतालों को बहुत बेहतरीन बनाना चाहते हैं। मैंने वहाँ के CMO से और अधिकारियों से ये बातचीत की है कि
कि जो जो इक्विपमेंट आपको चाहिए, जो जो सामान चाहिए, जो जो सुविधा चाहिए, आप उसकी हमें लिस्ट बनाकर दीजिए और मैं उसको मुहैया कराऊंगा। विश्व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत की धरती से शुरुआत की थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सरकार ने संजीदगी से कोशिश की, सबसे मेजर रोल आपकी ये डिपार्टमेंट का था, स्वास्थ्य विभाग का। बेटियों को बचाने के लिए आपकी टीमों ने यूपी में जाके पड़ोसी राज्यों में छापेमारी की, सुधार हुआ। 935 940 तक की संख्या 1000 लड़कों के मुकाबले आई है, लेकिन अभी भी महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, रेप की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। तमाम कोशिशों के बाद भी ये नज़रिया क्यों नहीं बदल रहा? देखिए, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अलग बात है, और मोदी जी ने अगर हरियाणा से इस योजना को शुरू किया था तो हमने उनके मकसद में कामयाबी ला दी। हरियाणा बदनाम था, कुख्यात था। हरियाणा के लोग जब बाहरले प्रदेशों में जाते थे तो कहते थे उस प्रदेश के लोग आ गए जो बच्चियों को पेट में मार देते हैं। हमने हरियाणा के माथे से वो कलंक धो दिया। मेरे को कुछ बिहार या यूपी के लोग मिलते हैं, क्योंकि हम मीडिया लाइन के लोग हैं, वो कहते हैं जी हम भले ही कितने गरीब हैं यूपी बिहार के लोग, लेकिन अपनी लड़कियों को नहीं मारते। जो खुशहाल प्रदेश हैं हरियाणा पंजाब दिल्ली, इस एरिया के लोग अपनी लड़कियों को कोख में मार देते हैं। ये आज भी मतलब हम दिल पे हाथ रख के नहीं कह सकते कि पूरा सुधार हो गया है। नहीं, देखिए, बहुत ज्यादा सुधार हुआ। 862 था आंकड़ा, आज आप खुद कह रहे हैं कि 935-940 तक जा रहा है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट। वो जो हम हरियाणा सारे देश में सबसे पीछे था, आज हम आगे आकर खड़े हो गए, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है जो स्वास्थ्य विभाग ने किया है, और स्वास्थ्य विभाग के हर अधिकारी कर्मचारी ने इसमें अपना योगदान दिया। विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहे हैं सरकार पर कि कानून व्यवस्था लच्चर हो गई है, दिन दहाड़े महिलाओं का उत्पीड़न, रेप हो रहे हैं, डकैती पड़ी है, लूट कसूट, चोरियां, तमाम मतलब विपक्ष के हमलों के बाद भी सरकार कोशिश करते लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। देखिए, विपक्ष का काम है बोलना। आप एक केस बताइए कि अगर घटना हुई और सरकार ने कार्रवाई ना की हो, एक केस बताइए। अब रिवाड़ी का केस हुआ था, विपक्ष ने बहुत शोरगुल मचाया था, लेकिन हमारी सरकार ने उन सारे दोषियों को गिरफ्तार किया। सरकार का क्या काम है आप मुझे बताइए? सरकार का काम है कि अगर कहीं पर कोई घटना दुर्घटना हो गई है, उसके बारे में जो भी कार्रवाई बनती है, जो भी कार्रवाई बनती है, उसको सीरियस होके करे, और हमारी सरकार कर रही है। विपक्ष के कई नेताओं को आप उपनाम देते रहते हैं, कभी आप कहते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जेल जाने वाले हैं, उनको सपने में भी जेल नजर आ रही है। अभी हाल ही में आपने रणदीप सुरजेवाला को शरूप नखा कहा, जिसकी बड़ी चर्चा है। एक नेता को तो आप लगातार कहते रहते थे तो लंगड़ा घोड़ा है, लंगड़ा घोड़ा, वो बेचारा परेशान हो गया था आपकी इस तरह की चुटकियों से। नहीं, मैं जो किरदार नेता निभाते हैं मैं उसी के अनुरूप उनको नाम देता हूँ। अब सुरजेवाला जी को मैंने शुरू रखा कहा है तो सोच समझ कर कहा है, इनकी कई बार नाक कट चुकी लेकिन इनको शर्म नहीं आती है, इसलिए मैंने इनको शुरू रखा कहा। अभी आप सरकार की उपलब्धियाँ बता रहे थे, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हैं कि ये सरकार जो है 4 साल में, जिसको आप अपनी शायद जश्न मनाने की कोशिश में उपलब्धियां बता रहे हैं, आज मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है,
इन 4 सालों में ये इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है, भजन और भोजन वाली सरकार है, और वो भी कहते हैं बदला बदली की सरकार है, लगातार वो ये इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, और आप अपनी उपलब्धियां गिना रहे हो, क्या कहेंगे? नहीं तो लोगों को क्या भजन करने पर प्रतिबंध है? हुड्डा साहब क्या चाहते हैं कि सारा प्रदेश नास्तिक हो जाए? हुड्डा साहब क्या चाहते हैं कि सारा प्रदेश अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता को भूल जाए? सरकार का दायित्व है सभी तरह से काम करना, लोगों को उनकी जो इतिहास है उसके बारे में भी उनको जानने का पूरा अधिकार देना। हमने अगर गीता पर बात की है जिसके बारे में कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र में ये गीता का प्रवचन श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया और कुरुक्षेत्र हरियाणा में है, तो हरियाणा के लोगों को क्या ये जानने का अधिकार नहीं है कि वो कौन सा ज्ञान दिया गया था जिसकी चर्चा की जाती है? आप लोग कहते हैं कि कांग्रेस सरकार में खूब घोटाले हुए, भजन सरकारों में, कांग्रेस की सरकारों में, खासतौर पे हुड्डा सरकार का, लेकिन हुड्डा भूपेंद्र सिंह हुड्डा पलटवार करके कहते हैं कि बीजेपी में खूब घोटाले हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि धान में घोटाला हुआ, माइनिंग में घोटाला हुआ, नौकरियों में घोटाले की बात कर रहे हैं वो। देखिए ये कांग्रेस पार्टी मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने इनको झूठ बोलने की ट्रेनिंग देने के लिए कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लिया। राहुल गांधी समेत सारे देश की कांग्रेसी आज झूठ पर आधारित राजनीति कर रहे हैं। उनको शायद यह सिखाया गया है कि एक झूठ को बार बार बोलो शायद वो सच हो जाए। हुड्डा साहब बताएं कि किस चीज में क्या घोटाला हुआ, अगर आपके पास आंकड़े हैं दस्तावेज हैं तो जाके सरकार के खिलाफ FIR दर्ज करवाओ, आप कराओ मुकदमे दर्ज, क्यों नहीं करवाते आप? सिर्फ झूठ बोलने से लोगों के गले में बात नहीं उतर सकती। आप बताइए कौन सा घोटाला हुआ है? पहली सरकार है जिसके राज में कोई किसी पर उंगली नहीं उठा सकता। बेमतलब बातें करना, बिना आधार के आरोप लगाना, ये आज की कांग्रेस पार्टी का एक कल्चर हो गया है। आपका बयान है कि इनेलो में जो कुछ चाचा भतीजा की लड़ाई चल रही है, जो कुछ परिवार में हो रहा है, आपने खुद अभी एक बयान आया था कि इनेलो अब खत्म होती जा रही है। अगर इनेलो खत्म हो रही है तो अगले चुनाव में हम मुकाबला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस माने? कांग्रेस पार्टी तो प्रदेश में है ही नहीं, ये तो धड़े हैं, कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा का धड़ा, कोई शैलजा का धड़ा, कोई अशोक तंवर का धड़ा, कोई शूर्पनखा सुरजेवाला का धड़ा, कोई किरण चौधरी का धड़ा, पार्टी तो हमें कहीं नजर नहीं आ रही। अब इनमें से कौन सा धड़ा हमारे साथ लड़ेगा वो तय हो जाए, पहले ये एक दूसरे को खत्म कर लें, जो बचेगा उसको हम खत्म कर देंगे। आपकी सरकार को 4 साल पूरा हो गए हैं, अभय सिंह चौटाला जो मुख्य विपक्षी दल है विधानसभा में, वो एक लाइन में कहते हैं कि ये सरकार हर मोर्चे पर विफल है। 4 साल के मूल्यांकन का वो ये टिप्पणी करें, प्रतिक्रिया अभी कल ही बयान आया कि सरकार पूरी तरह से फ्लॉप है, लोग चुनावों का इंतजार कर रहे हैं। आप देखिए पास या फेल आंकड़ों पर तय होता है,
मैं अपने स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े बताता हूं। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे तो शिशु मृत्यु दर देश की 40 थी और हरियाणा की 41 थी। आज वो शिशु मृत्यु दर घटकर 2015-16 की 41 से घटकर 33 हो गई। जो MMR है यानी माता मृत्यु दर जन्म देते हुए वो 125 थी, 15-16 में वो घटकर 101 हो गए। सेक्स रेशियो हमारी सुधर गई। तो आप बताइए कि ये अभय चौटाला नाम का प्राणी किस आंकड़े के आधार पर वो कह रहे हैं कि हरियाणा में डेवलपमेंट नहीं हुई। नापा आंकड़ों के आधार पर जाता है, वो कोई अभय चौटाला के सर्टिफिकेट से नहीं नापा जाता। अभी कल दुष्यंत चौटाला का एक बयान आया था, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे कि दिवाली तक आप इंतजार करो, क्योंकि एक मेजर पार्टी है, सियासी लोग जो होते हैं वो अपने विरोधी दलों पर उनकी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश, ये फितरत भी है राजनीति की। अगर दुष्यंत चौटाला अपने कार्यकर्ताओं से ये कह रहे हैं कि आप दिवाली तक इंतजार करो, कुछ नया करेंगे, मतलब आप क्या मान रहे हो कि दो दल बनने जा रहे हैं? देखो, वो क्या करते हैं ये अब उन पर निर्भर करता है। क्या करते हैं, जो मौजूदा स्थिति है, जो आज की स्थिति है, और तो देख कर लगता है, उसमें तो लगता है कि ये दो फाड़ हो चुके हैं। जो उनके बयान आ रहे हैं, जिस प्रकार की उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जो उनकी भाषा है, अब वो क्या करते हैं, अब ये तो वही बता सकते हैं कि दिवाली तक करते हैं या कब करते हैं, ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है। विशाल, PGI रोहतक एक बड़ा बहुत बड़ा अब तो यूनिवर्सिटी है, हेल्थ यूनिवर्सिटी कहते हैं उसको, उसमें पीछे जो दवा कंपनियों का जो खेल था डॉक्टर के साथ मिलकर हो रहा था, मतलब तो प्रूव भी हो चुका है, आपने एक्शन लिया, डायरेक्टर को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन उन्होंने फिर और आरोप लगाए, तो ये चीज़ इस बात की क्या श्योरिटी है कि अगर वहाँ हो रहा था, बाकी आपके सरकारी अस्पतालों में ऐसा नहीं हो रहा? क्या चेक वगैरह किया आपने? देखिए, जो उन डायरेक्टर साहबान ने किसी कंपनी से फायदा उठाया और हमारे सामने दस्तावेज प्रस्तुत हुए, जो कि PMFSI ये सिद्ध करते थे कि उन्होंने लाभ उठाया, मैंने उनको तुरंत सस्पेंड कर दिया और उनके खिलाफ विभागीय जांच, डॉक्टर शलीन हैं हमारे जो डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन हैं, उनकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी को सौंप दी। उन्होंने जब जांच शुरू करी तो नित्यानंद ने बताया कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरी तरह का काम करने वाले 5-6 लोग और भी हैं, और उन्होंने उनके दस्तावेज भी उपलब्ध कराए कमेटी को। मैंने उन 6 लोगों के खिलाफ भी इंक्वायरी ऑर्डर कर दी और मैंने तमाम कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में और हेल्थ डिपार्टमेंट में जितने भी डॉक्टर पिछले 4-5 साल से विदेश टूर पर गए हैं, उन सारों की जांच कराने के आदेश जारी कर दिए कि सबकी जांच की जाए कि वो विदेश अपने साधनों से गए हैं, जहां उन्होंने किसी दवा कंपनी
या इक्विपमेंट कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए उनसे कोई लाभ लिया है। लंबी इंक्वायरी है, रिपोर्ट आ जाए उसके बाद अगर लोग दोषी पाए जाएंगे उन सब के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये सब जो जेनेरिक दवाओं के स्टोर खुले हैं हरियाणा में, खासतौर पे प्रधानमंत्री की स्कीम है, वो चाहते हैं गरीब आदमी को दवाई सस्ती दरों पे मिले, उनको लूटा ना जाए। जेनेरिक स्टोर्स जो खुले हैं, लोग महसूस कर रहे हैं कि वहाँ, अभी मैंने एक रिपोर्ट भी पढ़ी थी कि जेनेरिक दवाओं की विश्वसनीयता उतनी नहीं है जितनी दावा किया जा रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं लूप होल्स हैं। दूसरी बात, जेनेरिक स्टोर्स पर एलोपैथिक दवाइयाँ भी बेची जा रही हैं, ये कई लोगों ने कहा है, क्या चेक करवाएंगे इसको आप? नहीं देखिए, अभी जो सरकार के तहत खोले गए वो अभी कल्पना चावला कॉलेज करनाल में खुला है, पीजे रोहतक में खुला है और शायद एक आधा कहीं और खुला होगा, और वो किसी एजेंसी को नहीं दिए गए, कॉलेज और यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट उनको खुद चला रही है। और बाकी जो जेनेरिक स्टोर कहीं पर खुले हैं, चौकी कहीं भी खुल सकते हैं, कहीं भी खुल सकते हैं, हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है, कोई रिपोर्ट आएगी तो हम जरूर कार्रवाई करें। आप स्वास्थ्य मंत्री के अलावा खेल मंत्री भी हैं, खेवा और युवा मामलों के मंत्री, हरियाणा के खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, खासतौर पे बेटियों ने हरियाणा का मान बढ़ाया और पूरे देश में हरियाणा खेलों का एक तरह से हब बन गया, दबदबा बन गया खेलों का। लेकिन खिलाड़ियों के इनाम राशि को लेकर जो विवाद रहा है, एक के बाद एक चीज़ें सामने आई, लगता है कोई तालमेल ठीक नहीं बैठ रहा। नहीं, वो एक छोटा सा मामला आया था, एक विचार कुछ लोगों ने प्रस्तुत किया था कि जो लोग हरियाणा में रहते हैं और किसी दूसरे डिपार्टमेंट से खेलते हैं वो उस डिपार्टमेंट से भी नाम ले लेते हैं और हरियाणा से भी नाम ले लेते हैं, इसलिए उनका इनाम ज़्यादा हो जाता है। तो जो डिपार्टमेंट से उन्होंने इनाम लिया है उसकी राशि जो हरियाणा से मिलने वाला इनाम है उसमें माइनस कर दी जाए, लेकिन खिलाड़ियों ने इसका विरोध किया, हमने वो देश वापस ले लिया, कोई भी बात नहीं, सबको दे दिए अवार्ड, सारे लेके चले गए, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं। हरियाणा प्रदेश सारे देश में पहला प्रदेश है जिसमें इतनी बड़ी राशि इनाम के तौर पर दी जाती है। हम जो ओलंपिक में गोल्ड जीत कर आता है उसको 6 करोड़ रुपया देते हैं, जो सारे देश में नहीं है और मुझे मालूम नहीं है शायद सारे विश्व में ना हो, 6 करोड़ रुपया, और साथ HPS HCS की नौकरी देते हैं 8 साल की सीनियोरिटी के साथ। हमारे से ज़्यादा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए किसी प्रदेश के पास योजना नहीं है, सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन खिलाड़ियों को हरियाणा में मिलता है, और यही कारण है कि हरियाणा सारे देश में सबसे अग्रणी रहता है मेडल जीतने। खिलाड़ियों ने तो अपना 100% हरियाणा को दिया, हरियाणा का नाम चमकाया, लेकिन हम स्कूलों की बात करें जो सरकारी स्कूलों में बहुत बजट सरकार खर्च करती है, वो लोग अब भी ये कहते हैं कि जैसे कोचिज की दिक्कत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की, सामान की दिक्कत है, मतलब अभी भी निचले लेवल पे सुधार की जरूरत है। अभी देखिए, वैसे तो स्कूलों में जो कुछ करना होता है वो शिक्षा विभाग को करना होता है, लेकिन फिर भी मैंने हरियाणा में खेलों का उत्थान करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, मैंने स्कूल स्तर पर 400 नर्सरियां सैंक्शन की, हर जिले में 20-20, 10 लड़कों की 10 लड़कियों की, इसमें से 200 फंक्शनल हो चुकी है, 200, उसमें हर खिलाड़ी को, हिस्सा लेने वाले को हम
1500 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक का हर महीने स्टाइफंड देते हैं। हम उस स्कूल को कोच की तनख्वाह देते हैं और 1-1.25 लाख रुपए इक्विपमेंट के लिए देते हैं। बड़ी बेहतरीन चल रही है नर्सरियां, उसके नतीजे आज तो नहीं निकल सकते लेकिन आने वाले 10 सालों में निकलेंगे। खेल का एक सिद्धांत है, अगर आप पदक तालिका में अपना नाम ऊपर चाहते हैं आए तो यू हैव टू कैच देम यंग। बच्चों से ही आप खेल शुरू करवाएं और वो काम मैंने किया। बाकी की जो 200 नर्सरियां हैं वो भी मेरा विभाग पूरी कोशिश कर रहा है कि जल्दी वो चालू हो सकें। थोड़ा जो कोच मिलने में दिक्कत आ रही है क्योंकि इतने कोच नहीं हैं और उसका भी मैंने इंतज़ाम कर दिया। बहुत शीघ्र जो राइस स्पोर्ट्स स्कूल है उसको हम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं, उसका बिल तैयार हो चुका और जल्दी ही हम उसको जारी करके वो राइस स्पोर्ट्स स्कूल एक यूनिवर्सिटी बन जाएगा। उच्च स्तर के शिक्षक कोचिस वहाँ पर तैयार किए जाएंगे ताकि हरियाणा क्या बाहरले प्रदेशों में भी हरियाणा से प्रशिक्षित कोच जाके खिलाड़ियों को सिखाएंगे। आपके पड़ोसी राज्य दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया 2 दिन पहले झज्जर में बेरी में आए हुए थे। उनका ये कहना था कि हरियाणा सरकार पूरी तरह से फेल है, स्कूल और हॉस्पिटल कैसे चलाए जाते हैं आप हमें सौंपो, हम चला के दिखाते हैं आपको, मतलब नसीहत देने की कोशिश कर रहे थे। जो फेल बच्चा होता है स्कूल में, अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है और घर आके माँ बाप को अपना कार्ड दिखाता है तो सबसे पहली बात ये कहता है, पापा मेरी क्लास में सारे ही फेल हो गए। केजरीवाल तो फेल आदमी है, दिल्ली में फेल हो गया। जितने आरोप लगाकर राजनीतिज्ञों पर ये सत्ता में आए थे वो सारे आरोप इनके भिन्न भिन्न मंत्रियों और MLO पर लग गए। जो स्वच्छ साफ शुचिता की बात करते थे आज अकंठ डूबे हुए नजर आ रहे हैं। अरे तुम वहां तो कर लो पहले। और जहां जहां ये सज्जन गए हैं ये बुरी तरह से फेल हो चुके हैं। ये फेल आदमी है, रिजेक्टेड माल है, रिजेक्टेड माल को कोई नहीं लेता। वे सब 4 साल सरकार को कल 26 तारीख को पूरे हो रहे हैं, आपने भी खूब मेहनत की, टंकियों पे चढ़े, रात दिन छापे मारे की ताकि सिस्टम सुधरे और मुख्यमंत्री जी सारे मंत्री लोग कैबिनेट लगे रही, ऑफिसर्स भी लगे रहे। अब नतीजा 4 साल बाद क्योंकि कल पूरे हो रहे हैं, इन 4 सालों में आज मुख्यमंत्री अचीवमेंट्स बता रहे थे लोगों को कि लोगों को तसल्ली हो कि हाँ सरकार ने काम किया, अचीवमेंट्स हैं। उतने इंपॉर्टेंट मौके पे आज आप पंचकुला में मुख्यमंत्री तो हाजिर नहीं थे और सारे मंत्री थे वहाँ पे आज। नहीं, मुझे कहीं पर कोई कम्युनिकेशन गैप रह गया होगा, मुझे मालूम नहीं है, मुझे जानकारी नहीं थी कि आज वो है। अगर जानकारी होती तो मैं जरूर जाता। नहीं, बाकी मंत्री उनको आमंत्रित किया गया और आपको बताया तक नहीं गया या बुलाया नहीं गया? मैंने अपने स्टाफ से भी पूछा है, मेरे तक जानकारी आई नहीं, पता नहीं कोई कम्युनिकेशन गैप रह गया होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन, पूरे 5 साल, अब 4 साल तो हो गए, 5वां साल है, आप कितने 5 बार MLA रहे, मंत्री हो, अब काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है। हर आदमी की तमन्ना होती है कि मेरी प्रमोशन हो, हर आदमी की, चाहे ऑफिसर्स है, पॉलिटिशियन है। अगले चुनाव आने वाले हैं, आप भी क्या अर्जी लगाएंगे या क्या ऐसी ख्वाहिश है कि आपकी भी प्रमोशन हो? अब देखिए, मैं आज तक जिंदगी में मैंने कोई तमन्ना नहीं पाली, मैं कभी नहीं सोचता कि मुझको ये हासिल करना। मैं तो वर्तमान में रहता हूँ, वर्तमान में काम करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो मुझ पर दायित्व सौंपा गया है
मैं उसका ठीक ठाक निर्वाह कर सकूं। अभी चुनाव आने वाले हैं, जाहिर तौर पर हम कहते हैं देर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। अब पब्लिक में जाना है, थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी वाली बातें भी हो रही है, आपको लगता है कि सरकार को कुछ काम ऐसे जो अभी रह गए हैं करने चाहिए थे या करने चाहिए, है कुछ आपके जहन में कि सरकार ये काम कर दे तो हरियाणा के लोगों का भला होगा और आपका दावा मजबूत होगा सरकार की वापसी का? नहीं, सरकार ने 4 साल में बहुत काम किए हैं और अब जनता के सामने हैं, जनता उनसे सहमत भी है। अब जो कहीं पर थोड़े बहुत अभी कमी रह गई है तो सरकार इस साल में उनको पूरा करेगी, लगी हुई है सरकार। कैबिनेट के सीनियर मिनिस्टर विज साहब ने बड़ी चतुराई से सरकार को डिफेंड ही नहीं किया और लोगों की आशाएं भी अभी जगा कर रखी हुई हैं कि हमने 4 साल में बहुत काम किया है, अब 5वें साल में 1 साल और भी बचा है, कुछ और भी ऐसे काम कर जाएंगे कि लोगों को सरकारों का फर्क पता लगे, जो पहले की सरकारें थी और जो ये सरकारें हैं। और ये भी बाकी मंत्रियों की तरह विधायकों की तरह दावा कर रहे हैं कि 70 सीटें से ही जीत कर बीजेपी फिर सत्ता में बीजेपी वापसी करेगी। विज साहब, अगर आपने अच्छे काम किए तो हम भी चाहते हैं कि लोग आपको रिस्पॉन्स दें, आपको समर्थन दें और फिर बीजेपी की सरकार को देखें, लेकिन अच्छे काम कितने हुए हैं वो रिजल्ट जनता निकालेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।